हमें याद है वो पूरी अगले 3 दिन पूरी रात पूरी टीम यहीं लगी हुई थी। इतने ऑर्डर थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कहाँ से इनको पूरा करेंगे। एकदम इमीडिएट 3 साल का गोल ये है कि हमें 100 करोड़ का ब्रांड बनाना है। अगले 5 साल का गोल ये है कि हमें 500 करोड़ का ब्रांड बनाना है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? ऑल गुड ऑल गुड। ग्रेट सर। सो दोस्तों, आज हमारे साथ है दुर्लभ रावत जी, जो कि बेसिकली बरोसी के फाउंडर हैं, एंड आज जानेंगे उनके बारे में और बरोसी के बारे में, क्योंकि ना कि इनके फर्म का खासियत है कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बल्कि नेम पे भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, और स्पेशली बरोसी क्यों नाम पड़ा है उस पर भी बहुत कुछ है। और उन्होंने ये काम शुरू किया है डिस्पाइट ऑफ हैविंग 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट, उन्होंने ये काम शुरू किया है। तो सर बताइए अपने बारे में कुछ। थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ये अच्छा मौका है कि मैं अपने व्यूज और अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर पाऊँ। जैसे बताया, मेरा नाम दुर्लभ है और मैं एक यूपी के एक छोटे से गांव उत्तर प्रदेश से आया हूं। और मेरी प्रारंभिक जो एजुकेशन है, जो स्कूलिंग है, वो सब गांव में हुई है। एंड देन फिर दिल्ली आना हुआ, वहां पे हमारी बीच जो कॉलेज की एजुकेशन है वो वहां पे हुई है। एंड देन 12 साल का हमारा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एंड देन बरोसी की शुरुआत। राइट, तो सीधा बरोसी पे आ जाते हैं कि कैसे बरोसी पिक्चर में आया। जब हमारा 12 साल का करियर कंप्लीट हो रहा था, तो एक दो साल पहले से ही ना वो टर्मोइल था कि कुछ तो स्टार्ट करना है। एंड दो ही ऑप्शन थे हमारे पास, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे पिताजी खेती बाड़ी ही करते थे। और दूसरा मेरा 12 साल का एक ऑटोमोबाइल में महिंद्रा एंड महिंद्रा और आइशर मोटर्स के साथ एक्सपीरियंस था, तो ये तो बहुत क्लियर था, ये दो ही क्षेत्र में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता था। बट मैंने उसमें खेती को चुना, या बैक टू बेसिक वाला रूट चुना, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो मेरे काफी नजदीक भी था और वहां पे संभावनाएं मेरे को लगता है ज्यादा हैं। और वीजा भी ऑटोमोबाइल, क्योंकि ऑटोमोबाइल में तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत कुछ इम्पैक्टफुल करने के लिए नहीं लगा मैं, तो हमने चूज किया कि हम बैक टू बेसिक। एक डेयरी फार्म से हमारा स्टार्ट हुआ 2016 में, एंड आइडिया बहुत ही सिंपल था। कोई ऐसे शुरुआत में कंज्यूमर ब्रांड बनाने का आइडिया नहीं था, आइडिया सिर्फ ये था कि एक खेती करेंगे वापस से, थोड़ा सा साइंटिफिक खेती करेंगे, लार्ज स्केल पे खेती करेंगे। एंड मिल्क को हमने इसलिए चुना कि मिल्क में बहुत ही क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और ये अक्रॉस है, मतलब चाहे नॉर्थ ले लीजिए, साउथ ले लीजिए, ईस्ट ले लीजिए, वेस्ट ले लीजिए, कि दूध में मिलावट है। ठीक है, तो जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत क्लियर होता है तो उसको ऊपर काम करना आसान होता है। तो हमने इसलिए दूध को चुना कि यहाँ पे संभावनाएं हैं। कि सर बरोसी ही नाम आपने क्यों चुना? तो देखिए, बरोसी चुनने का दो तीन मकसद थे हमारे। हमने दूध, हमारी जो एज एन एंटरप्रेन्योर जर्नी जो है दूध से स्टार्ट हुई है, एंड मेरी एक पर्सनल स्टोरी है जो मेरे बचपन में, हमें जब हम स्कूल जाते थे वो 6 किलोमीटर दूर होता था, और वहां से वापस आते आते पैदल जब आते थे तो 3-4 बज जाता था। और कई बार क्योंकि मौसम अलग अलग होते थे, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी यू नो मानसून होता था, तो भूख लगाती थी कई बार। तो सबसे पहले जो रेडी टू, मतलब जो सबसे पहले हमें एक चीज जो दिखती थी, बरोसी में हमारे घर पे दूध रखा रहता था। बरोसी क्या होता है कि एक छोटा सा गड्ढा जमीन में खोद लिया जाता है, जिसमें लकड़ी उपले को सुलगा के उसके ऊपर मिट्टी का बर्तन, हांडी जो होती है दूध की, और उसके अंदर दूध, इसको पूरे दिन भर धीरे 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 बहुत ही स्लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे और स्लो फ्लेम में इसको गर्म किया जाता है। शाम तक होते होते उसमें बहुत ही अमेजिंग अर्दी अरोमा, मिट्टी के बर्तन की एक बहुत ही अच्छी मोटी मलाई। तो हम वहां से जब भूखे आते थे तो पहला एक एक ग्लास जो सबसे पहले हमारा जो होता था वो दूध का ही होता था। आई थिंक वहां से फिर आगे की जर्नी स्टार्ट होती थी, तो मतलब हम अपने सेंसेस में आ जाते थे। तो दूध से स्टार्ट हुआ तो लगा कि ये एक एकदम राइट फिट नेम है, जिसमें एक अच्छी इमोशनल स्टोरी है, और ये हमारी कंज्यूमर ब्रांड में एक सरल आसान नाम होना जरूरी होता है। आपकी टंग के ऊपर भी अच्छा रोल होना चाहिए कि कोई बोले या देखे या कहे उसके बारे में तो आराम से बोल पाए, तो इसलिए हमने उस बरोसी को बरोसी नाम चुना। जी, अब जो आपने कहा बरोसी घर पे था, ठीक है, जहाँ पे आपने मम्मी ने आग जला के आपने वो रेडी करके दिया सारी चीजें, उस बरोसी से हम लोग आते हैं जो आप अभी बरोसी पे काम कर रहे हैं सर। तो बरोसी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके क्या वैरायटी है, एक तो वो शेयर कीजिए, और सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा था एंड द न्यूएस्ट वन। तो देखिए, सबसे पहला प्रोडक्ट दूध था, और न्यूएस्ट जो है, जो बिल्कुल आने के लिए कुछ तैयार है, वो है मिलेट कैटेगरी में
बहुत सारे प्रोडक्ट, हमारे 3 से 4 या 5 प्रोडक्ट इस साल में आएंगे। तो और प्रोडक्ट का सिलेक्शन हम बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं, क्योंकि बरोसी जो है वो भारत की स्टोरी कहता है, और वो कहता है कि भारत का जो लाइफस्टाइल है, वहाँ की जो नेचर है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो ट्रेडिशन है, जो किसान है, खेती है, उस सबको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट भी वहीं से निकलते हैं, उनके ओरिजिन्स जो हैं, उनकी सप्लाई चेन जो है वो भारत में होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। तो चाहे वो दूध हो, चाहे वो घी हो, चाहे अचार हो, चाहे कोल्ड प्रेस ऑयल हो या गुड़ हो, हमारे जितने भी बरोसी के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया के अलग अलग, भारत के अलग अलग क्षेत्र से हम उनकी उनकी उनको प्रोक्योर करते हैं या उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, अलग अलग उनकी अलग अलग जगह पे सप्लाई चेन है, और वो भी बहुत छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स, विलेजेस, ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हम पूरे फार्मर के साथ में मिलके और जुड़ के काम करते हैं। हमारी कहीं पे भी कोई सप्लाई चेन और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो कहीं पे भी कोई बड़े शहर में नहीं है। तो भारत में बनाते हैं इंडिया को, इंडिया के लिए, जो आपके जैसे एस्पिरेशनल इंडियंस जो मेट्रोज में रहते हैं उनके लिए हम भारत में प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सर यहाँ पे एक बहुत स्पेशल बात आपसे पता चली कि आप हर जगह की जो खास चीज है आप उसको ढूंढ निकालते हैं, फिर आप वहां जाके वहां से प्रोडक्शन, अभी आपने बताया भी यही चीज, तो सर इसको थोड़ा विस्तार से बताइए कैसे फार्मर्स को आपके इस काम से यू नो हेल्प मिलता है। देखिए इसके 2-3 आयाम है, मतलब 2-3 डायमेंशन है। पहले डायमेंशन में हम, और बहुत ही विन विन डायमेंशन है सभी के लिए, किसान के लिए 2 मेरे को लगता है कि रिक्वायरमेंट है। एक तो उसको जो आज की टेक्नोलॉजी है, आज की नॉलेज है, उसका एक्सेस होना जरूरी है, सो दैट वो भी लगातार ग्रो करता जाए, ठीक है। वो अपनी अपने काम करने के तरीके को, अपने जो डेली 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 दिनचर्या में जो वो डिसीजन लेते हैं उन सबको वो प्रभावित करती हैं, ठीक है। दूसरा है कि जो 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 वो ग्रो करते हैं उसका एक अच्छा दाम उनको मिलना चाहिए, ठीक है, उसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी अगर अपनी पोजीशन को बताता हूँ तो एक बहुत ही नेचुरली हमें इसका एक लाभ ये होता है कि किसान के साथ काम करने के लिए हम बीच के जितने भी जो लेयर्स हैं उनको हटा देते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है जब हम किसानों से मिलते हैं, देखते हैं, और पर्सनली मिलना जरूर होता है क्योंकि हमें लगता है कि सारी चीजों से सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो इंडिविजुअल है, उनकी इंटेग्रिटी कैसी है, जिनसे हम सामान लेने वाले हैं वो कौन है और कैसे हम उनकी लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल शुरुआत से ही ये प्रोसेस है। तो उनसे मिलने के बाद में दूसरा प्रोसेस होता है कि वो क्या कौन सी प्रैक्टिसेस वो यूज कर रहे हैं, उसमें अगर इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है तो हम अपनी नॉलेज के हिसाब से उनको बताते हैं कि आपको ये प्रोसेसेस फॉलो करने हैं, जिससे ये नॉर्म्स फॉलो करने हैं, जिसकी वजह से आपको एडिशनल जो है जो आपको पे आउट जो होगा वो 20-30% पे आउट जो आपको मंडी में या किसी और बाजार में जाके मिलता है वो आपको ज्यादा मिलेगा, बट दीज आर द नॉर्म्स जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत शुरुआत में रिलक्टेंसी होती है, बट धीरे धीरे जब उनको समझ में आने लगता है कि दिस इज द वे फॉरवर्ड, तो वो हमेशा पावर ऑफ वन होता है, पहले एक जुड़ता है, फिर 2 जुड़ते हैं, फिर 4 जुड़ते हैं, फिर 8 जुड़ते हैं, एंड देन इकोसिस्टम बनता है। तो ये हमारी शुरुआत में लर्निंग दूध के से भी रही है, आज भी हमारा पूरा कॉपरेटिव मॉडल में काम चलता है, हमारा खुद का भी फार्म है और पूरे हमारे फार्म के अराउंड 25-30 किलोमीटर तक हमारे बहुत सारे फार्मर्स हैं जो डायरेक्ट हमें आज भी दूध देते हैं। सिमिलरली हनी में हमने जो पूरा अपना जो बेस बनाया है वो फरीदकोट पंजाब में है, वहाँ पे जो बी फार्मर्स हैं हमारे उनके साथ पिछले 4-5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, और असली क्रेडिट भी हम उन्हीं को देते हैं प्रोडक्ट का। अगर जो भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं करते हैं, हम बड़े खुल के अपने हमारे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे जो किसान उसमें लगे हुए हैं क्रेडिट उनको भी जाता है, सो दैट उनको भी ये और भी लोग उनके साथ जुड़ पाएं और उनके लिए भी संभावनाएं बने। तो बहुत ही क्लोज नेट हम इसको मानते हैं, पूरी तरह से हर डायमेंशन से ये विन विन है हमारे हिसाब से भी, क्योंकि हम लेयर जब बीच की लेयर हटा देते हैं तो हमारे क्रॉस मार्जिन बेटर हो जाते हैं, ठीक है, और हम बेटर प्राइस कस्टमर को दे पाते हैं। सर तो बरोसी शुरू से ही एक डायरेक्ट यू नो सेलिंग विद कस्टमर्स, डायरेक्ट डीलिंग विद कस्टमर्स ये रह चुका है जिसको हम D2C कहते हैं सर। तो D2C में ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग क्या इम्पोर्टेंस है इसका? तो देखिए मेरे को लगता है कंज्यूमर ब्रांड, क्योंकि थोड़े थोड़े आयाम चेंज हुए हैं, अब पहले भी ब्रांड होते थे, कंज्यूमर ब्रांड होते थे, उनका बेचने का तरीका अलग होता था। आज की डेट में ये अगर पिछले 4-5 साल की बात देखते हैं तो नई टर्म यूज होती है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, D2C ब्रांड, जो कि ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड होते हैं, ठीक है,
या तो ये मार्केट प्लेसेस के थ्रू बेचते हैं या वेबसाइट के थ्रू बेचते हैं। पहले क्या होता था, ऑफलाइन शेल्फ से जो ब्रांड का जनरली जो अवेयरनेस होता था या पहला कंज्यूमर जाके जो उसको लेता था वो शेल्फ से जाके लेता था, क्योंकि ऑनलाइन ई कॉमर्स क्यू कॉमर्स ये सब बहुत तेजी से पेनेट्रेट कर रहा है। तो D2C आज की डेट में एक अच्छा तरीका है एक ब्रांड बिल्ड करने का, ठीक है। सबसे पहले तो इस बात को समझने की जरूरत होती है। पर अगर ब्रांडिंग की बात करते हैं तो चाहे वो ओल्ड वे ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट्स हो या आज डायरेक्ट टू कंज्यूमर में हो, मेरे को लगता है कि वो उसकी गहराइयां उसकी समझ आज भी वैसी ही हैं, ठीक है। तो देखिए, एक जगह प्रोडक्ट है और एक जगह ब्रांड है, ठीक है। इन दोनों का बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। ब्रांड आपको हेल्प करता है उस कंज्यूमर्स के साथ रेजोनेट करने का जो आपके आपकी तरह सोचता है, या ब्रांड अपने आप को उस तरह से बनाना स्टार्ट करते हैं हम कि हमें एक्स कंज्यूमर चाहिए जो इंडिया में रहता है, जिसका ग्लोबल एक्सपोजर है, वो एजुकेटेड है, वो पढ़ा लिखा है, उसकी आज की डेट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, उस बेसिस पे हम प्रोडक्ट लेके आते हैं। बट ये जो कंज्यूमर जो है, हम इसको सिर्फ प्रोडक्ट तक नहीं मानते हैं कि ये जो दायरा है ये प्रोडक्ट पे खत्म ना हो जाए, बट हमें जब हम उसको एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे कस्टमर का पर्सोना इस तरह से है, राइट, भरोसी भारत की बात करता है, उसका रीजन कोई हमसे पूछ सकता है कि हम भारत की बात क्यों करते हैं। भारत की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो कंज्यूमर जो इंडिया में रहता है आज की डेट में, इसकी लाइफ में जो एक जो अभाव है, मतलब जो कमी है, वो यही है कि वो जो बेसिक छोटी छोटी सी जो चीजें थी, जो गुडनेस होती थी, जो कहानियां होती थी दादी की, जो आज के छोटे बच्चे को कई बार ये नहीं पता था कि जब वो रूरल में जाता है तो ये जो फसल लगी है ये कौन सी फसल है, ठीक है, दूध कहाँ से आता है। तो हमने कहा कि जब इस कंज्यूमर को हम बेच रहे हैं और अगर हम ये सारी इसके साथ में अपनी स्टोरीज भी बताएंगे, उसके बारे में नॉलेज भी देंगे, तो ये एक अच्छी पोजिशनिंग है। जब हम कहते हैं कि भरोसी भारत में बनता है तो उसका एक बहुत लॉजिकल रीजन है, क्योंकि वो अर्बन कस्टमर को ये सारी नॉलेज भी देते हैं, स्टोरी भी बताते हैं, और ये हमारे क्रेडेंशियल में ऐड भी करता है कि ये जब भारत की स्टोरी बताते हैं तो इनके प्रोडक्ट भी भारत से आ रहे हैं। इसलिए आपको इसको बहुत ही 360 डिग्री सोचना होता है, ये बहुत ही सरफेस वाला काम नहीं है ब्रांड बनाना। मेरे को लगता है कि कई बार हमने कई बार कुछ लोगों से मिला है तो इट्स नॉट अबाउट कि वो कैसा दिखने वाला है, उसका कलर कौन सा है, फॉन्ट कैसा है, और वो थोड़ा डिफरेंट है, या यू जस्ट मेकिंग ए बोल्ड स्टेटमेंट, मतलब ऐसे हमें लगता है कि ये सतह पे ना काम करके उसके थोड़ा डीप जाके सोच के उस कंज्यूमर के बारे में, उसकी नीड के बारे में सोच के एक पोजीशनिंग, यूनिक पोजीशनिंग क्रिएट की जाए और उसके ऊपर फिर ब्रांड को बिल्ड किया जाए। इसलिए ये हमारा व्यू है ब्रांडिंग में। जब ये एक्सरसाइज हो जाती है आपकी तो फिर पैकेजिंग के लिए फिर बाकी सारे जो रूट है ना बहुत क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप हमारी पैकेजिंग में देखेंगे तो काफी कुछ आपको लगेगा कि वो एक पोस्ट कार्ड की तरह आती है, ठीक है। तो हमारे बॉक्सेस जब आपके पास पहुंचेंगे उस पर टिकट लगा होता है, हमारी जो डिजाइन भी है वो काफी पोस्ट कार्ड वाली होती है हमें। तो जब हमें पता लगा कि हम भारत की बात कहते हैं, ये एक ओल्ड स्कूल थॉट है, पोस्ट कार्ड एक हमेशा से तरीका होता था कि आप अपने इमोशंस को अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स को लिख के भेजते थे, ठीक है। हम भी यही कहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं ये भारत के इमोशन जो हैं वो आप अपने साथ कैरी करके कंज्यूमर तक लेके आते हैं। उसी थॉट से हमने उसको पैकेजिंग को भी उसी थॉट से ही डिजाइन किया। वेरी टचिंग स्टोरी एक्चुअली। सर अब आप बताइए सर आपके टीम के बारे में। तो हमारी दो जगह टीम है, एक हमारा जो फार्म है पटौदी में, वहाँ पे हमारे जितना भी जो मिल्क से कोल्ड चेन सप्लाई चेन और पूरे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो टीम है वो पटौदी में बैठती है। मोस्टली वहाँ पे सारे ऑपरेशंस के हमारी टीम वहाँ बैठती है। गुड़गांव में हम हैं, हमारे साथ सेल्स हेड हैं जिनका नाम शमोइल है, एंड फिर अलग अलग मार्केटिंग में, ब्रांड में, अकाउंट में, देन ऑपरेशंस में, गुड़गांव में भी ऑपरेशंस में हमने अभी तक सारा जो भी बिजनेस अभी तक खड़ा किया है वो सब बूटस्ट्रैप्ड है। तो जैसे जैसे हम एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं हम अपनी टीम को बढ़ाते चले जा रहे हैं, और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही एक्सेप्शनल टीम है हम ये कहते हैं इस, क्योंकि बूटस्ट्रैप बिजनेस बनाना ना आसान काम नहीं होता है, आपको कम रिसोर्सेस के होते हुए भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ फाइट करना होता है, तो बहुत ही पैशनेट लोग चाहिए होते हैं आपको, ठीक है, जो हारे नहीं जो थके नहीं, ठीक है। तो मतलब मैं ये कहूंगा आई फील प्राउड अबाउट देम, एंड जिस तरह से हमने इस पूरे जर्नी को बनाया है और उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है, आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट मींस। सर भरोसी को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा और कैसे आप उनको संभाला, आपने ओवरकम किया, प्लीज शेयर। सो सबसे पहला
दो तीन चैलेंज शुरुआती चैलेंज मैं बताता हूँ कि जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत जब आपका एक्सपीरियंस नहीं है राइट, या बिजनेस फैमिली से अगर आप नहीं आते हैं, फर्स्ट जनरेशन है, तो एमबीए में आपको पढ़ाई कराई जाती है। वैसे तो मैंने एमबीए नहीं कराया, तो मेरे ख्याल से एमबीए एक राइट एजुकेशन है जहाँ से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज उस बारे में मिल जाता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज अलग ही है। ठीक है, अब जैसे हमने बिल्कुल शुरुआत में बताया, मेरे पास दो ही ऑप्शन थे कि एक खेती बाड़ी कर सकते हैं, एक ऑटो कर सकते हैं। खेती बाड़ी हमने चुना, और उसका एक रीजन था कि मेरे को ऐसा लगता था, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था, मैं आपको सामने बहुत खुल के बोल रहा हूँ कि मेरे को ये लगता था कि ये तो काम मैं कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो मैंने पूरे बचपन में देखा है। ठीक है, हमारे घर में भी दो एक गाय एक भैंस होती थी, वो उनको दूध देना होता था, ऐसे ही हम 50 गाय लेके आएंगे, वो दूध भी देंगी और फिर उसको हम बेचते रहेंगे। ठीक है, बट जितना ये आसान साउंड करता है उतना आसान नहीं है। ठीक है, इट्स अ वेरी डिफरेंट डायनामिक्स व्हेन यू हैव 2 काउज इन योर बैकयार्ड वीज़ावी यू हैव 50 काउज और 100 काउज और 200 काउज इन योर फार्म, राइट? क्योंकि तब यहाँ पे फिनांस की भी आपको नॉलेज चाहिए, उसके ऑपरेशन की भी नॉलेज चाहिए, उसके साइंस की भी नॉलेज चाहिए। ठीक है, देन आपको प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, देन आपको ब्रांडिंग की नॉलेज चाहिए, देन आपको कंज्यूमर के बारे में भी सोचना होता है, आपको टेक का भी चाहिए। अब जो मेरा एक थॉट सिर्फ ये था कि मैं किसान हूं, मैं तो कर लूंगा, बट ये काफी नहीं होता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। आपको बहुत ही 360 डिग्री आपका एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। तो पहले सबसे पहले तो यही हुआ कि जो 50 गाय शुरुआत में, उनको संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया, और जो मैं सबसे ज्यादा समझता था कि ये मैं कर पाऊंगा, वही सबसे मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जो हम प्रोड्यूस, जो आज हर किसान भी फेस करता है, जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे, उसका हमें दाम ही नहीं मिल रहा था, हमें वाजिब दाम ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हम वही पटौदी में, हमारा फार्म था, हम पटौदी में ही बेच रहे थे। तो हर महीने कैश बर्न हमारा हो रहा था, हमारी जो मेरी खुद की पर्सनल सेविंग थी वो हर महीने डिप्लीट होती चली गई। एक बार तो मेरे को लगा कि मैं 2 साल जब हो चुका था, तो मैं आराम से बैठ गया जमीन पे और मैंने कहा ये तो गलती हो गई। बट मेरे को लगता है एंटरप्रेन्योरशिप में एक एटीट्यूड ये होना चाहिए, और अलग अलग होते हैं, मेरी लर्निंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपको हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, और जब उस डगर पे निकल जाओ तो रास्ते पीछे के बंद करके आना चाहिए, कि इतना आसान वापस जाना ना हो, दरवाजा खोल के वापस वहीं ना पहुंच जाए। तो हम तो अपने ताला वाला लगा के आए थे सारे दरवाजों में, तो आगे जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। जो प्रॉब्लम आई, फिर हमने बिल्कुल सिंपली एक एक प्रॉब्लम को एक एक पकड़ के धीरे धीरे सॉल्व किया। मतलब हमें पैसा नहीं मिल रहा था तो हमने गुड़गांव में बेचना स्टार्ट किया। ठीक है, हमसे फार्म पे बहुत सारे कैटल नहीं मैनेज हो रहे थे, तो हमने कोऑपरेटिव मॉडल में और फार्मर्स के साथ मिलके काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, देन हमने उसके ऊपर, हमें चाहिए था कि एक लॉन्ग लास्टिंग स्टोरी होनी चाहिए, तो हमें ब्रांड बनाने पर काम किया। फिर हमें फिनांस और अकाउंट की कोई नॉलेज नहीं थी, उसको सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि वो एक बैकबोन है। ठीक है, कैश फ्लो कैसे चलना है, क्या लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो आप धीरे धीरे करके इसको एक एक मैं तो बोलता हूँ एक एक ऑन को एक एक हर चीज करनी ही पड़ती है। ठीक है, बट इसको सॉल्व करते चले जाइए और सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। मेहनत लगती है, मेहनत तो करना काम है ही है। तो चैलेंजेस बहुत सारे थे, हर तरह के चैलेंजेस थे, वो सारे फेस किए, और बट सबको ओवरकम भी किया। डेफिनेटली सर, आप शेयर कीजिए अब आपका जो शार्क टैंक का एक्सपीरियंस है, एक तो वो, और शार्क टैंक में जाने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट रहा भरोसे के ऊपर, वो आप शेयर कीजिए हमारे दोस्तों के साथ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है शार्क टैंक की भी। ठीक है, हमारे साथ में कुलीग हैं, थे, अब तो वो अब नहीं, अभी वो मूव कर गए हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि शार्क टैंक की एप्लीकेशन निकली में भर दीजिए। हमने कहा देखो सर, हमें तो, हमारे पास टाइम तो है नहीं, कम तो काम में लगे, तो और नंबर भी नहीं आने वाला है हमारा, तो रहने देते हैं, छोड़िए। ठीक है, कहते नहीं नहीं भर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको लग रहा है भर लेते हैं तो आप भर दीजिए, एप्लीकेशन ही भरनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भर देते हैं। तो उन्होंने फॉर्म जो है वो भर दिया, हमारे बिजनेस, क्योंकि उस पूरी काफी बड़ी एप्लीकेशन होती है, उसमें आपको बिजनेस के बारे में और कैसे आप बिल्ड कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या, सारी चीजें बतानी होती हैं। उन्होंने वो भर दिया और हमारा जो फर्स्ट जो स्क्रीनिंग था उसमें हम थ्रू हो गए। ठीक है, तो फिर वहां से हमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ कि अरे वाह, ये तो पहला फर्स्ट स्टेप तो हो गया है। ठीक है, देन फिर उसके बाद बहुत सारे शार्क टैंक मे से स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली, मे फिर अलग अलग उसके बहुत सारे स्क्रीनिंग होती हैं लगातार, आप अलग मतलब फर्स्ट लेवल, देन रीजनल लेवल, देन नेशनल लेवल, देन बहुत आगे जाके आप शार्क्स को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो जर्नी है वो बहुत एनरिचिंग रहा। हमें ये पता था कि ये एक ऐसा इवेंट है हमारे जैसे कंज्यूमर ब्रांड के लिए जो कि बूटस्ट्रैप्ड है, उतनी बड़ी अवेयरनेस, उतना एंगेज ऑडियंस,
15 मिनट के लिए नेशनल टीवी पे बरूसी को अगर वो मिलता है तो उसकी उसका इम्पैक्ट बहुत ही बहुत बड़ा होगा। ठीक है, हिंदुस्तान के हर कोने में 9 बजे रिमोट लेके जो है परिवार के लोग बैठते हैं, इस तरह का इम्पैक्ट है उसका। तो हमने जी जान लगा दी थी कि ये तो हम जो है छोड़ेंगे नहीं। तो हर पर हमारी एक यूनिक स्टोरी तो है। ठीक है, यूनिक स्टोरी है मतलब जो भारत की स्टोरी है। बहुत सारे आप देखेंगे, अगर आपने शार्क टैंक देखा भी होगा तो बहुत सारे ब्रांड्स आए हैं, बहुत अमेजिंग अमेजिंग काम कर रहे हैं और साइंस में, कंज्यूमर ब्रांड में और अलग अलग टेक में। बट हमने कहा हम किसान की बात करेंगे क्योंकि वही हमें आता है और वही हम कर रहे हैं। इट हैज ए यूनिक वॉइस, यूनिक प्रोडक्ट। तो ये शार्क टैंक में सोनी टीवी को भी समझ में आया, तो फाइनली हम पहुंच गए, वहां तक पहुंचे, उनसे मिले। बड़ा ही मतलब जब आप जाते हैं तो नर्वस भी होते हैं, काफी डिस्कशन भी काफी बहुत लंबे चौड़े होते हैं। अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। मतलब इसको मतलब इसी तरह से बयां करा जा सकता है कि मतलब इसके आगे और वर्ड्स की थोड़ी सी कमी है हमें लग रहा है, बट इसका इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर ब्रांड और उस किसी भी स्टार्टअप के लिए बहुत ही अमेजिंग हो सकता है। ठीक है, पोस्ट शार्क टैंक ऐसा था कि हमने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, हमें यकीन था कि हमें अच्छा, ऐसा पता नहीं होता कि आप टीवी पे आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, डिस्कशन हो जाता है, बट लास्ट मोमेंट तक आपको इस बारे में नहीं पता होता है कि आप टीवी पे आएंगे कि नहीं आएंगे। बट हमने अपनी तरह से तैयारी कर रखी थी, हमें पता था कि इस इवेंट का इम्पैक्ट बहुत होने वाला है। हमने अपने इन्वेंट्रीज बढ़ा लिए थे बहुत आगे, मतलब ऐसा था कि एक टाइम पे हम 5 महीने की इन्वेंट्री पे बैठे हुए थे और हमें इसीलिए नर्वस भी हो रहे थे कि अगर टीवी पे नहीं आया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको लिक्विडेट करना। बट टच वुड शार्क टैंक आया 9 फरवरी को हमारे लिए। हमें याद है वो पूरी अगले 3 दिन पूरी रात और पूरे दिन हम लोग सब ऑफिस में ही थे, पूरी टीम यहीं लगी हुई थी। इतने ऑर्डर थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कहां से इनको पूरा करेंगे। Wonderful. जैसे मैंने बताया था हमारी टीम बहुत ही अमेजिंग टीम है, साथ में लग के हमने सब पूरा किया। कुछ कुछ छोटी मोटी एक हल्के फुल्के कोई मिस्टेक हुए होंगे तो हुए होंगे, अदरवाइज 99% हमने पूरा फिल रेट रहा हमारा, सब कंज्यूमर तक पहुंचे। और अगले 15-20 दिन तक तो सिर्फ हम इसी स्ट्रगल में थे कि किसी भी तरह से ऑर्डर पूरे कर लेते हैं। उसके अलावा और कोई मतलब बैंडविड्थ ही नहीं था, मतलब सारे जितने भी डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं जो किसी में भी करते हैं सब सिर्फ ऑर्डर करने में लगे हुए थे। ग्रेट ग्रेट। फिर उसके बाद काफी ये है कि ब्रांड की अवेयरनेस हुई, काफी लोगों ने से बात करने का मौका मिला। अब कई बार ऐसा भी मौका मिलता है जब जहाँ पे हम अपनी कहानी, अपनी लर्निंग, अपनी ये नॉलेज जो है वो शेयर करने का मौका मिल पाता है। तो बहुत ही प्री शार्क टैंक और पोस्ट शार्क टैंक बहुत ही अलग अच्छा एक्सपीरियंस है। जिसको भी ये अगर मौका मिलता है अपनी पूरी जी जान लगा के इसको कोशिश करें कि वहां तक पहुंचे, बॉम्बे तक, और शार्क के सामने अपना बिजनेस पिच करने का मौका मिले। जी, तो सर अब बात करते हैं, जैसे काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हो गई है, हम लोग अपने फार्म में कई बार बहुत एडवांस्ड मशीनरीज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एट प्रेजेंट बरोसी में जो मशीनरी का यूज़ होता है फॉर एनी पर्पस, तो सर उसका क्या इम्पैक्ट है एंड उससे आपको कितना फ़ायदा होता है? तो देखिए, क्योंकि हमारी कोर प्रोडक्ट जो लाइन है वो डेयरी में है, तो डेयरी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट टूल्स हैं, जो मशीन्स हैं, वो मोस्टली डेयरी में हमारे यूज होते हैं। डेयरी में खासतौर से कोल्ड चेन बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर जैसे ही ठंडक नहीं मिलेगी दूध को, उसके खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो चाहे वो बल्क मिल्क कूलर्स हों, जिसमें हम फार्मर से जब हमारे पास दूध आता है, हमारा खुद का फार्म से दूध आता है, दूध को जल्दी से जल्दी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा करना पड़ता है। तो जो है ये हमारे पास कई सारे डिफरेंट बल्क मिल्क कूलर्स हैं, जिसमें कि हम उसके दूध के हिसाब से, ये गाय का दूध है, ये बफेलो का दूध है, ये देसी गाय का दूध है, उसको ठंडा करते हैं। देन हमारे पास कोल्ड रूम है, उसको फिर अगेन वो ठंडा करने के लिए यूज होता है। पेस्चराइजेशन यूनिट है, जब हमें दूध की शेल्फ लाइफ को अगर बढ़ाना होता है तो हमें उसको पेस्चराइज करना पड़ता है, और 2 से 3 दिन एक्सटेंड भी करती है। अगर फार्म की तरफ जाते हैं तो मिल्किंग मशीन जो है, क्योंकि एक हाथ से मिल्किंग का जो प्रोसेस है बहुत लंबा बड़ा प्रोसेस है और वो उतना हाइजेनिक भी नहीं होता है, तो मिल्किंग मशीन जो है हमारे फार्म पे यूज होती है। और उसके अलावा जो क्लीनिंग की जो मशीन्स हैं, तो इसका पूरा मशीन्स का फायदा ही ये है कि आप एक हाइजेनिकली और जो एक लेबर आप अवॉइड कर सकते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हो, उनको खत्म कर सकते हैं। ये पूरा जो हमारा मिल्क और डेयरी से रिलेटेड जो पूरा इकोसिस्टम है, वहाँ पे हम डिफरेंट मशीन्स, डिफरेंट फिर उसमें आगे अगर देखते हैं, जैसे हमारे गुड़गांव का जो प्लांट है, उसमें हमारे पास फिलिंग मशीन्स हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हैं, घी बनाने का
जो चर्निंग जो है, चर्निंग मशीन है, देन हमारे पास स्लो कुकिंग के लिए जब बटर से हम घी बनाते हैं उसके लिए अलग मशीन है, हमारे पास कोल्ड प्रेस मशीन है जिसमें कि हम जो ऑयल है, हर तरह के जो ऑयल है उनको वुड प्रेस, कोल्ड प्रेस ऑयल की मशीन से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जी हाँ, इनका बहुत अमेजिंग उपयोग तो है ही। तो सर अभी फ्यूचर गोल्स क्या है भरोसे के, प्लीज शेयर। सो फ्यूचर गोल यही है कि बरोसी को भारत की और इंडिया की हर किचन तक हमें लेके जाना है। ये बहुत ही लंबी जर्नी है और ये एक छोटा स्टेटमेंट नहीं है, ये हमें पता है। इसमें कितना टाइम लगेगा उसको गेज करना भी बड़ा मुश्किल है, और मैं तो कहता हूँ कि गेज करना ही नहीं होना चाहिए। गोल इतने बड़े होने चाहिए कि आपको ये तो पता हो कि वहां तक जाना है, कई बार दिखाई भी ना दे उतना बड़ा गोल होना चाहिए, ठीक है। उसके कुछ स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि वहां तक जाएंगे कैसे। पर अगर बहुत ही नजदीक वाला छोटा गोल हुआ तो फिर तो मेरे को लगता है कि उसको थोड़ा आगे बढ़ा लेना ज्यादा अच्छा है। एकदम इमीडिएट 3 साल का गोल ये है कि हमें 100 करोड़ का ब्रांड बनाना है। अगले 5 साल का गोल ये है कि हमें 500 करोड़ का ब्रांड बनाना है। एंड उसके आगे की जर्नी आई एम श्योर भगवान देख रहे हैं कि वो कैसे लेके जाएंगे। आई थिंक सर टूल्स विला टीम के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पूरे टीम के लिए, भरोसी टीम के लिए, एंड स्पेशली थॉट प्रोसेस के लिए सर। एंड हम लोग बिल्कुल आशा करते हैं कि जैसे आपने प्लान बनाया है उससे ज्यादा बेटर आपको अचीवमेंट मिला सर। और अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए, आपका इतना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सर। थैंक यू। मैं विश करता हूँ टूल्स विला टीम को भी, आप बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं और ये सब नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी गांव के छोटे लोग और उन वहां तक लेके जा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और लगातार अच्छा काम करते रहें, इम्पैक्टफुल काम करते रहें, ठीक है। आपसे कभी मिलने का भी मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे और मिलेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोशिश पूरी रहेगी सर। थैंक यू सो मच आज के लिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार।